निर्दयी दासर कहाण। एक देश पतरसे यीशुदा पूछो, हे स्वाम, मु अपने भाई केतनी बारी माफ करनो चाहिए जब से मेरे खिलाफ पाप करो, का सात बेरी ताई? यीशुए बोलो, सात बेरी नहीं पर सात रो सत्र बेरी। ऐरे द्वारा यीशुरा मतलब कि हमेशा माफ करनो चाहिए। तब यीशुए एज कहानो बोलो, यीशुए बोलो, परमेश्वर रो राज्य एक ही राज्य रे समान जो अपने दास दो लेखा लोना चाह, तेसरा एक दास हद बड़ा कर्जदार था, पर से दास अपना कर्जा चुका नहीं सका। ऐरी ताई राजा बोलो, ऐरा कर्जा चुकाने री ताई इस मर्द और इस रे परिवार दास रे रूप दे बेच दियो। तेनी दासे राजा रे सामने अपने जानू गए पड़ियो, बोलो, कृपया मुँह सीता सबर कर और अपने कर्जरा पूरा रकम ता भुगतान करूला। राजा दास गए दया कि ऐरी ताई तेनिये तेसरो सारो कर्जा माफ कर पियो और से डेवन दिता। पर जब से दास राजा गदो बैंडा डेवा तो तेस तेसरा एक साथ दास मिला जो तेसरे चार महीने री मजदूरी रा कर्जदार थिया। तेनी दास से अपना साथ पकड़ पिया और बोलो, जो ता गए मेरो कर्जा हो मुँह तेरा भुगतान कर। तेनी साथी दास से जानू गए पड़े, बोलो, कृपया मुँह सीता सबर कर और आ अपने कर्जरी पूरी रकम रा भुगतान करूला। पर तई रेब जाए तेनी दास से अपना साथ दास जेल खानंदा डेव पिया जब तई कि से इस कर्जरा भुगतान ना कर दियो। जो कुछ हो थे से कुछ रेके दास से देखो और से हद परेशान हुए, से राज्य अकड़े हुए और तेस आगे सब कुछ बोलो। राजे तेस दास अख वेद्या बोलो, ए दुष्ट दास, मुआ तेरा कर्ज ए रिताई माफ किया था क्योंकि तुम्हे मुद्या विनत की थे, ता भी ए रोही करनो चाहिए थे। राजा इतना रोषा था कि तेनिये से दुष्ट दास जेल खानदा डाल पिया जब ताई कि से अपने सारे कर्जरा पक्ष भुगतान ना कर दिया। तब यीशुए बोलो, मेरा स्वर्ग दा विराजमान पिता, तुम मुंज हर एक किसी थे एरो करोला अगर तुम्हें अपने भाई अपने मन दो माफ ना करोले। मत्ती अध्याय 18:21-25 एक बाइबलर कहाना।